يا غريب هلو 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 तमामी गरीब नमाज के चाहने वाले दोस्तों, बहुत मुख्तसर अंदाज में इंशाल्लाह, जैसा मैंने नाज शरीफ सुना इंशाल्लाह बहुत उससे भी कम टाइम में इंशाल्लाह, क्योंकि दोनों पार्टियों को आप लोग सुनना है। देखिए अजीम भाई, मैंने कुछ कोशिश करी है, वैसे आपके सामने तो क्या कोशिश करूंगा, मगर ये कुछ मेरे अल्लाह पाक ने और हुजूर गरीब नवाज में सबने दोस्तों अपने अपने अंदाज से कहा है। मेरा ख्वाजा मुझे देता है, काम चलता है, उनके टुकड़ों पे मेरा खानदान पलता है। किसी ने कहा कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। दोस्तों सबने अपने अपने अंदाज से कहा, मगर जो आशिक गरीब नवाज ये मानता है, जो मैंने कहने जा रहा हूं, कुछ आशिक ऐसे हैं
जिनका ईमान ये है जो ये कहते हैं कि वो कहीं जाएं या ना जाएं, उनका बैठे बैठे काम हो जाता है। तो इसलिए अभी मेरा न्यू एल्बम मार्केट में रिलीज हुआ है मेरे गरीब नवाज में, वो पेश करने जा रहा हूँ कलाम आपके आगे। मुलाजा फरमाए या गरीब नवाज़, ख्वाजा जी गरीब नवाज मोरे ख्वाजा जी, मोरे ख्वाजा जी, रसूल पाक की मैं रोता गरीब नवाज, तजल्लियात का एक सिलसिला गरीब नवाज, रहम जो आ गया हम पर मदीने वाले को, उन्होंने भेज दिया दूसरा गरीब नवाज। या गरीब नवाज अलक निरंजन तुमरे जैसा कोई नहीं महाराजा, सग नगर नगर सग डगर डगर में तो इश्क की आग में जलती जली, मेरा चैन गयो मेरा देश गयो मैं तो इश्क की आग में जलती चली, ख्वाजा की धुन में ये गाती चली क्या, या गरीब नवाज या ख्वाजा जी या गरीब नवाज, तुम्हारी चश्मे करम, डिले करके आवाज बढ़ा दो मेरी, डिले करके आवाज बढ़ा दी जनाब, बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी चश्मे करम हो तो काम हो जाए, अदा से देख लो किस्सा तमाम हो जाए, जिसे तुम अपना गुलाम, जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ख्वाजा, तो उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए, उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए। बाबू ये मतलब बता रहे खास सारे आशिक रसूल सुने, पैसा दे ना दे मगर इंशाल्लाह ताला वो बात होगी जो हर आशिक के ऊपर गुजरती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब हम गरीब नवाज में जा रहे होते हैं तो एक रुपया जेब में नहीं होता है, हम पहुंच जाते हैं, ऐसा होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है लाखों रुपए जेब में पड़े होते हैं, हम गरीब नवाज में नहीं जा पाते, सही बात है, क्योंकि इरादे रोज करते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिसे, इसलिए मैंने कहा है अपनी निस्बत कहो, अपनी निस्बत कहो कुछ ऐसा सिला देता है, अपनी निस्बत कहो कुछ ऐसा सिला देता है, सिला देता है, अपनी निस्बत कहो कुछ ऐसा सिला देता है, अपनी निस्बत कहो कुछ ऐसा सिला देता है, सिला देता है, निस्बत कहो कुछ ऐसा सिला देता है, सिला देता है, अपनी निस्बत कहो कुछ ऐसा सिला देता है, अपनी निस्बत कहो कुछ ऐसा सिला देता, मेरा ख्वाजा महाराजा, उस पार का आलम क्या होगा, अभी तो खाली मतलब पड़ा, ये आशिकी कसम खुदा की सही कहते हैं आप कि बेटा जुनैद गुजरात जैसी जगह हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अपनी निस्बत का वो हर आशिक सुने जितने गुजरात वाले हैं,
अपनी निस्बत कबो कुछ ऐसा क्या देता है मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा नहीं हम सबका कौन कौन ख्वाजा वाला है हम मोईन कुछ ऐसा सिला देता है मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठे दिला देता है मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठे दिला वो कुछ ऐसा सिला देता है मेरा ख्वाजा सबका ख्वाजा मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठ दिला मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मुझे मेरा ख्वाजा हक मोईन ये किस किस का दावा मैं कह रहा हूं अब छुपा छुपा वो लीड बहुत खूबसूरत है कुछ ऐसा सिला देता है मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मुझे किस किस को मिलता है ख्वाजा की निस्बत घर बैठे जरा बताया है अजी मेरा ख्वाजा मुझे घर बैठे दिला दे बापू ने मुझसे कहा जुनैद मियां सरजमीन जामनगर है हर तरीके के लोग हैं क्लासिकल सुनने वाले भी हैं कव्वाली सुनने वाले भी हैं और कसम खुदा की
गुजरात के अंदर यूं तो बहुत सारे शहर हैं, मगर जिन जगहों पे मैं हम लोग आते हैं आर्टिस्ट फनकार नवाज लोग हैं यहाँ के, और यहाँ कव्वाल या कोई गाने वाला गाता नहीं, यहाँ के लोग गवाते हैं, कसम खुदा की मैं अपनी रोजी में बैठा हूँ। क्यों? थोड़ा सा क्लासिकल अंदाज पेश कर रहा हूँ। पानी झरेगा गमरे धनी सरे धनी सब आप धनी सब आप धनी सब आप धनी नहीं जाता सदा सनी नहीं जाता सदा सनी नहीं जाता सदा सनी नहीं जाता हम नूर के पैर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैर की तरफ देख रहे हैं, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं। जिस दिन से मेरा सर तेरे कदमों में झुका है, जिस दिन से मेरा सर तेरे कदमों में झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। शेर बतौर खास पढ़ रहा हूँ और चाहूंगा आप लोगों से, एक माह मुनव्वर की तरफ देख रहे हैं, हम नूर के पैकर की तरफ देख रहे हैं, जिस दिन से मेरा सर तेरे कदमों में झुका है, सब लोग मेरे सर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा कर्म किया है मेरे ख्वाजा ने मुझ पर, ऐसा कर्म किया है मेरे ख्वाजा ने मुझ पर, ऐसा कर्म किया है मेरे ख्वाजा ने मुझ पर, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं, सब मेरे मुकद्दर की तरफ देख रहे हैं। हम तो यहाँ सरकार की महफिल में मगन हैं, हम तो यहाँ सरकार की महफिल में मगन हैं, हम तो यहाँ सरकार की महफिल में मगन है, हम तो यहाँ सरकार की महफिल में मगन है, सरकार मेरे घर की तरफ देख रहे हैं। जरा देखो मेरा बच्चा मुझे घर पे
शेर। मैं जब तक महफिल में नहीं पढ़ता हूँ, अजीम भाई ये मेरा वजीफा है, किसी का कुछ वजीफा होता है, ये मेरा वजीफा है। जो आशिकान गरीब नवाज हैं, जो जो अपने पीर के चाहने वाले हैं, वो इस बात का तसव्वुर करें जरा, ईमान से मजा आ जाए। वजीफा सुने मेरा क्या है, और जितने आशिक बैठे हैं आपने अपने पीर के, जरा सुने, आए है मजा आ जाएगा, कसम खुदा की। अंधेरी रात है, अंधेरी आशिक भाई, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। सीधा बेटा, जितने आशिक हैं ना गरीब नवाज के और अपने अपने पीर के, कोई गौसे पाक का दीवाना है, कोई साबिर पाक का, कोई गरीब नवाज का, अपने अपने पीर का तसव्वुर कर लें, कोई मोती वाले का, कोई वारिस पाक का, और कोई मम्मन शाह का। अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, मैं अपने आप को तन्हा कभी नहीं पाता, मैं अपने आप को तन्हा कभी नहीं पाता, वो साया बन के मेरे साथ साथ चलता है, वो साया बन के मेरे साथ साथ चलता है, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे दे, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे दे, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे दे, बचाने वाले मेरे साथ साथ रहता है मेरा बचा मुझे। परवरदिगार है, माना के देने वाला परवरदिगार है, माना तो देने वाला परवरदिगार है, लेकिन दिलाने वाला गरीबुल नवाज है मेरा माता है, घर बैठ दिला दे शेर मलाई का फरमाए, ऐसा ख्वाजा है, ऐसा ख्वाजा हमारा है वो, भाई जरा सुकून बना ले, सुकून बना भाई, तवज्जो, ऐसा ख्वाजा है हमारा वो संजर वाला, वो शहनशाह है, वो शहनशाह है, वो शहनशाह है तो आलम से मिला देता है, वो शहनशाह है तो आलम से मिला देता है। हमारा है अजमेर वाला, वो शहनशाह है, वो शहनशाह, वो शहनशाह है तो आलम से मिला देता है। किसी राजा से मिलिएगा न महाराजा से मिलिएगा, मोहम्मद से जो मिलना है तो बस ख्वाजा से मिलिएगा, वो शहंशाह आलम से मिला देता है, वो शहंशाह तो आलम से मिला देता है, वो शहंशाह तो आलम से मिला, शहनशाह है तो आलम से मिला, वो है, वो चेता।
वापस ख्वाजा से मिलिएगा वो शहंशाह है वो आलम समझा किया मुझे मोहम्मद के नाम का वो शहंशाह है दो आलम समझा ओ ये शेर आखिरी शेर इस मनगवत का नत कर रहा हूं जो पहली मरतबा मैं सरजमीन जामनगर में पढ़ा हूं और ये बुजुर्गों की तारीख है जिसमें के हजरत साबिर पाक का तो वाकई ये लोगों को पता ही मगर बुजुर्गों की तारीख है क्योंकि आकाए नामदार के घराने के बुजुर्ग हैं अताए रसूल है करीब नवाज इनके यहाँ की रीत क्या है इनके यहाँ की रस्म मुलायदा फरमाए हमारे हाफिज साहब नीचे बैठे हैं शौरा इकराम जरा तवज्जो चाहूंगा हुजूर इस शेर पर बतौर खास आखिरी शेर मेरा ख्वाजा है ये अजीम भाई बतौर इस्लाम पढ़ लो शेर मेरा ख्वाजा है दोस्तों मेरा ख्वाजा है उसी घर की निशानी देखो मेरा ख्वाजा है भाई साहब थोड़ा साइड आ जाए बड़े भाई आखिरी शेर है वो बड़े काम का शेर है सुनने वालों के लिए बड़े काम का इंशाल्लाह मेरा ख्वाजा है खामा खाई ये जितने आशिक दीवाने बैठे खामा खाई यू ख्वाजा ख्वाजा नहीं करते खामा खा नहीं करते कुछ ना कुछ तो है मेरे करीब नवाज में भाई मगर कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ है मेरे करीब नवाज में बहुत कुछ भी नहीं सब कुछ है करीब नवाज से क्योंकि ख्वाजा ना होते मुसलमान ना होते ये गरीब नवाज का सदका है हम लोगों पर क्योंकि हमसे न टकराए चाहे चीन हो या जापान ये ख्वाजा का देश है इसका नाम है हिंदुस्तान क्यों किसी राजा तदंग तंग तदंग तदंग तंग तदंग किसी राजा की चलती है न महाराजा की चलती है किसी राजा की चलती है न महाराजा की चलती है हुकूमत हिंद तुम्हें देखो मेरे ख्वाजा की चलती है हुकूमत हिंद तुम्हें देखो मेरे ख्वाजा की चलती है हुकूमत हिंद तुम्हें देखो मेरे ख्वाजा की चलती है इसलिए कहा है मेरा ख्वाजा है उसी घर की निशानी देखो किस घर की ऐसे वैसे घर की नहीं है उस घर की निशानी देखो खुद नहीं खाता है खुद नहीं खाता है मंगतों को खिला दे वो खुद नहीं खाता है मंगतों को खिला दे घर की निशानी देखो किस घर की निशानी है खुद नहीं
सुना करो यार, ये जामनगर हमें खुद हमें आप लोगों से मजा आता है, हम नहीं गाते हैं, आप लोग गवाते हैं। खुद नहीं खाता है मंगतों को कुर्बान आप लोगों के सुनने के, खुद नहीं खाता है मंगतों को खिला देना। ये शेर उनकी नजर कर रहा हूं, जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, ये उन लोगों की शेर नजर कर रहा हूं। सुल्तान की वाजा की अपने घर में जो महफिल सजाई है, सजाई है आजा की अपने घर में जो महफिल सजाई है, आते हैं मदद के लिए आवाज आई है, और नहीं खाता है में लगे हैं, सरकार उनकी लाज बचाने में लगे हैं। जरा देखो नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती है, झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। देखो देखो देता है मंगतों को खिला, देता है मंगतों को खिला।